प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 5 मध्ययुगीन काव्य। इसका हमने पिछले वीडियो में पहला भाग पढ़ा था जिसका नाम है भक्ति महिमा और उसके कवि का नाम था संत दादू दयाल। तो इस कविता में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं अभाग, उसका नाम है बाल लीला और उसके कवि हैं संत सूरदास। इस कविता में कवि ने कृष्ण के बचपन की जिद कि बच्चे किस तरह से बचपन में जिद करते हैं किसी भी चीज़ को मांगने की, उसका वर्णन किया है। और दूसरी ओर उनकी माता यशोदा की ममता में जो छवि है उसको प्रस्तुत किया है कि किस तरह से यशोदा माता कृष्ण को देखकर प्रसन्न होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन का आधार जो है वो कौन है, कृष्ण है। तो इन पंक्तियों में आज जो हम पढ़ेंगे इसमें कवि ने कृष्ण की बाल लीला का, किस तरह से बचपन में कृष्ण जो है वो माँ से जिद करते हैं किसी चीज़ को मांगने की, और दूसरी ओर यशोदा माता जो है वो किस तरह अपने बेटे कृष्ण से प्रेम करती है। तो आज हम इसी विषय पर इस कविता को पढ़ेंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं कवि परिचय। संत सूरदास। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु बल्भाचार्य से हुई। अष्टचाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य वात्सल्य होते प्रेम और माधुर्य भाव मधुरता के विचार निहित है, मतलब पाए जाते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं और वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण, सजीव होता है जीता जागता, आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई। प्रमुख कृतियाँ, इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनका नाम है सूरसागर, सूरसावली तथा साहित्य लहरी आदि। काव्य प्रकार, पद काव्य की एक गय शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सब की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। काव्य परिचय। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममता में छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरा करने को आतुर होता है बेचैन यशोदा। चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। द्वितीय पद में माँ यशोदा को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। कलेवा होता है नाश्ता। उनकी मदद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन होता है पकवान सामने रख वह मनुहार कर रही है। मनुहार करना प्रार्थना करना। पहले 3 पदों में उन्होंने कृष्ण की बाल हट का वर्णन किया है कि किस तरह से कृष्ण जो है अपनी माँ यशोदा से हट कर रहे हैं कि उन्हें आकाश में चमकता हुआ जो ये चांद है वह चाहिए। पहला पद देखिए, बार बार जसुमती शुद्ध सुत बोधती आऊ चंद तो ही लाल बुलावे
मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खाए तो ही खवावे। बार बार, बार बार का शब्द होता है मतलब कि बार बार किसी शब्द को दोहराना। जसुमती शब्द का अर्थ आया है यशोदा माता के लिए। सुत शब्द का अर्थ है पुत्र या बेटा। बोधती, बोधती शब्द का अर्थ आया है समझाना। औ, औ मतलब आओ। चंद मतलब चांद। तो ही मतलब तुम्हें। लाल बुलावे, मेरा बेटा जो है वो क्या कर रहा है, बुला रहा है। मधु मेवा पकवान मिठाई, मधु है, मेवे हैं और अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई जो मैंने बनाई है। आपुन खाए तो ही खवावे। आपुन मतलब अपने आप, खे मतलब खाएगा, तो ही मतलब तुम्हें खवाएगा। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मुझे चांद जो है वो चाहिए है, तो कृष्ण के सामने यशोदा माता जो है वो कहती है किससे, जैसे मानो वो चांद से कह रही है कि हे चांद तुम क्या करो, तुम्हें मेरा बेटा जो है वो क्या कर रहा है, बुला रहा है। औ चांद तो ही लाल बुलावे, मेरा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हें बुला रहा है। मधुमेवा पकवान मिठाई, मैंने जो मधुमेवा और पकवान और मिठाई बनाई हुई है वह मेरा बेटा खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। अब नेक्स्ट पद जो है देखो, उसमें जो है यशोदा क्या कहती है। हाथी पर तो ही लीने खेले, नेकू नहीं धरती बैठावे। जल वासन कर ले जू उठावती, याही में तू तन धरी आवे। हाथी, हाथी शब्द का अर्थ आया है हाथ पर। तो ही मतलब तुम्हें, लीनी मतलब लेकर, खेले मतलब खेलना। नेकू नहीं कभी नहीं धरतीन बिठावे, धरतीन मतलब जमीन पर, बिठावे मतलब बिठाएगा। जल पासुन कर ले जो उठावती, ये यशोदा माता जो है वो जल वासुन मतलब जल के पात्र को, कर मतलब हाथ में लेकर क्या करती है, उठाती है। यही में तू तन धरी आओ, यही मतलब इसमें चांद से कहती है कि तुम शरीर धारण करके आ जाओ, तुम्हें मेरा बेटा कृष्ण जो है वो बुला रहा है और वह तुम्हारे साथ खेलेगा। नेक्स्ट पद है जल फूटानी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हसी मुस्काने, बार बार दो कर नावे। जलपूट, जलपूट होता है जल का पात्र, भूमि पर रख दिया और उसे दिखाने लगी, बेटा देखो मैं वह चांद पकड़ कर लाई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जो है वो यह सब देखकर हंसने लगे और पात्र में बार बार अपने दोनों हाथों को डालने लगे। तो इन पदों में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है कि बचपन में कृष्ण जो है वो किस तरह हट करते हैं और यशोदा माता जो है वो कैसे कृष्ण को समझाती है और बार बार चांद को धरती पर आने के लिए कहती है। श्याम कलेऊ कीजे, मनमोहन मुख निरखत जीजे। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा। तो इस इन पदों में यशोदा माता का ममता में छवि जो है वो देखने को मिलती है कि किस तरह यशोदा माता प्रेम पूर्वक कृष्ण को उठाती है और कहती है कि हे श्याम उठो, मैंने तुम्हारे लिए
कलेवा नाश्ता जो है वो लाई हूँ, तुम नाश्ता कर लो। उठिए, उठिए मतलब उठी उठो। श्याम मतलब कृष्ण। केलेव, केलेव कहा गया है नाश्ता जलपान। कीजिए, कीजिए मतलब कर लो। मनमोहन मुख निरखित। जी जे मतलब जीती हूँ। वो कहती है कि मनमोहन किसको कहा गया है, कृष्ण को। मुख को देखकर मैं क्या होती हूँ, जीती हूँ। खारिक खजूर, दाख खोपरा, खीरा केरा शब्द है केला, आम, ऊख रस मतलब गन्ने का रस, और शीरा। ये सब चीज़ें जो है वो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तो इन दो पदों में यशोदा माता कृष्ण को कहती हैं कि उठो और उठकर तुम जलपान या नाश्ता कर लो। वो कहती है कि मैं कृष्ण के मुख को देखकर क्या होती हूँ, जीती हूँ। मैंने तुम्हारे खाने के लिए खजूर, दाख खोपरा, खीरा केला, आम, गन्ने का रस और शीरा जो है वो बनाया हुआ है। अगले पद में श्रीफल मधुर कर चिरौंजी यानी सफरी च्यूरी अरुण खुबानी घेवर फेनी और सुहारी खोआ सहित खाऊ बलिहारी। तो यहाँ पर यशोदा माता जो है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए श्रीफल मधुर श्रीफल चिरौंजी अमरूद च्यूरी अरुण खुबानी मतलब जरदालू घेवर फेनी और सुहारी सादी पूरी खोआ के साथ खाओ, ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। रचिक पिराक लड्डू दधी दधी आनो तुमको भावत पूरी संघानो तब तमोल रची तुम्ही खवाओ सूरदास पनवारो पाओ। यशोदा माता कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत से पकवान लाई हूँ, रचिक पिराक गुजियाँ लड्डू पूरी अचार ये सब तुम्हें बहुत भाते हैं, पहले तुम अपनी पसंद की इन चीज़ों को खा लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे लिए पान बनाऊंगी और तुम्हें पान बनाकर खिलाऊंगी। कवि का यहाँ अभिप्राय है कि किस तरह अपनी संतान से यशोदा माता जो है वो किस तरह अपनी संतान से कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण के साथ जो है उसके जीने का उद्देश्य बना हुआ है। उसे ऐसे लगता है कि कृष्ण के बिना उसका जीवन ही अधूरा है। पान खिलाने की बात सुनकर महाकवि सूरदास जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सूरदास पान खिलाने के अवसर पर विशेष उपहार की कल्पना करते हैं और वह उपहार है कृष्ण भक्ति। इस तरह इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला और यशोदा माता की ममता का वर्णन किया है। ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। ये कविता सूरसागर से ली गई है। धन्यवाद।